कैपाबेरे नेशन डेली कम्बू क्या होने वाला है गाइस 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर कैपाबेरे नेशन का डेली कम्बू कार्ड सब। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो पे कौन सा कार्ड है ताकि आप सही कार्ड को सिलेक्ट करें और 50 मिलियन यहां पर कॉइंस ले सकें डेली कम्बू की तरफ से। यानी कि कैपाबेरे यहां आप सभी को देता है 50 मिलियन कॉइंस जो कि एक नया प्लेटफॉर्म है इंडोनेशियन प्लेटफॉर्म और ये एयर ड्रॉप बहुत ही खास है और बहुत ही जल्द लिस्टिंग भी होने वाला है। तो गाइस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस डेली कम्बो पे मैं क्लिक करता हूँ और देखो भाई आपका पहला कार्ड जो है उसको मैं बता देता हूँ। वेब 3 पे आपको क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करना है। आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर क्रिप्टो इंश्योरेंस, दिस वन इज फर्स्ट कार्ड। तो देख सकते हैं क्रिप्टो इंश्योरेंस इज द फर्स्ट कार्ड। तो आप सभी को यहाँ पर क्या होगा, ये कार्ड लॉक देखने को मिलेगा। तो आपको इवेंट्स को ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पर आप सभी को एक कार्ड को अपग्रेड करना है। अब वो कौन सा कार्ड है मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे को माई कार्ड्स पे देखने को मिल जाएगा। तो देखो वो कार्ड को जो आप देख सकती है सेलिब्रिटी कॉइन पार्टी फिलीपींस, इसे 8 लेवल तक करना है ताकि उस कार्ड को आप ओपन कर सकें क्रिप्टो इंश्योरेंस को। और ये अगर कार्ड आपका लॉक देखने को मिल रहा है सेलिब्रिटी कॉइन पार्टी फिलीपींस, तो आपको इवेंट्स में और एक कार्ड मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप एंड कैमेला हॉरिस डिबेट। तो ये आपको कार्ड को 10 लेवल तक अपग्रेड करना है। तो चलो यार इसे मैं 8 लेवल तक कर देता हूँ। सेलिब्रिटी कॉइन पार्टी इन फिलीपींस अपग्रेड मैंने किया और वेब 3 पे मैं चला चुका हूँ। और भाई आप देखो क्रिप्टो इंश्योरेंस मेरा अनलॉक हो चुका है। अपग्रेड करता हूँ और देख सकते हैं डेली कॉम्बो, कॉन्ग्रेचुलेसन यू जस्ट अनलॉक ए केपी कॉम्बो। तो इस तरीके से आप पहला कार्ड कॉम्बो ले सकते हैं जो कि है क्रिप्टो इंश्योरेंस। अब गाइस आपको सेकंड कार्ड के लिए सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर टेक का ऑप्शन पर क्लिक करना है और टेक का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करना और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एक कार्ड मिलेगा। वो कार्ड मैं बता देता हूँ कौन सा कार्ड है। तो आप देख सकते हैं रोबोटिक्स फैक्ट्री। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इनसफिशियंट कॉइन है, आप जैसे कि देख सकते हैं ज़्यादा कॉइन नहीं है तो इसीलिए मैं अपग्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं रोबोटिक्स फैक्ट्री 56 मिलियन कॉइन लगेगा मुझे इसे अपग्रेड करने के लिए। तो ये आपका यहाँ पर देखो 15 लेवल तक मैं अगर इसे करूँ तो ये मेरा 15 लेवल तक अपग्रेड हो जाएगा 56 मिलियन कॉइन देकर। तो अभी ये 14 लेवल तक है तो आपका ये सेकंड कार्ड होने वाला है। दिस इज द सेकंड कार्ड रोबोटिक्स फैक्ट्री। रोबोटिक्स फैक्ट्री इज द सेकंड कार्ड, राइट। अब आपको चले जाना है इवेंट्स को ऑप्शन पे। इवेंट्स को ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक कार्ड देखने को मिलेगा, माइक न्यू कार्ड्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं रोबोट MMA मैच इंडिया, तो ये कार्ड आपको लॉक देखने को मिलेगा। तो अभी आप जैसे कि देख सकते हैं दिस इज द थर्ड कार्ड रोबोट MMA मैच इंडिया। तो ये कार्ड के लिए आपको सिंपल तरीके से टेक का ऑप्शन पे ये रोबोटिक्स है ना इस फैक्ट्री को आपको अपग्रेड करके लेवल 15 तक करते हो। अगर लेवल 15 तक रोबोटिक्स करते हो तो आपके इवेंट्स पे ये कार्ड अनलॉक हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं अनलॉक रोबोटिक्स फैक्ट्री टू लेवल 15। तो मैंने अपग्रेड किया उस जगह पे मैंने मेरा इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से कॉइन की वजह से मैंने अपग्रेड नहीं कर पाया और आपका वो अपग्रेड करने से वो आपका सेकंड कार्ड हो जाएगा और रोबोट MMA मैच इंडिया थर्ड कार्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आज का डेली कम्बो कंप्लीट कर सकते हैं। ट्रस्ट मी यही 3 कार्ड होने वाला है। तो मुझे उम्मीद आपको बिलीव है और चैनल को आप एक बार चेकआउट करना, अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना। ट्रस्ट मी आप करके देखो और कमेंट कर देना जो हाँ भाई ये सक्सेस है, सही वीडियोज़ है। तो मेरे को पता है सारा कुछ बट मेरे पास अभी इनसफिशियंट कॉइन के लिए नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं दिखाता ही हूँ हर वीडियोज़ में आप सभी को।